और बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ मौत की दौड़ बन गई है। आपको बता दें कि 10 युवकों की मौत हो गई है और अब जो है विपक्ष सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले में उतर आया है, इसकी जांच की मांग की जा रही है। इसी बीच पुलिस मुख्यालय ने प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है। राज्य के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हुई है उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, शारीरिक परीक्षा लेते समय कुछ अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। अभी भी कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल हैं। मृत्यु का कारण जानने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में यूडी कांड जो है वो दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। हर केंद्र पर मेडिकल टीम, पर्याप्त दवा, एम्बुलेंस और गाड़ी की प्रतिनियुक्ति की गई है। दौड़ कराने से पूर्व क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी और कुछ सेंटरों पर ORS पैकेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर और मेडिकल बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर प्रयास किया जा रहा है कि दौड़ प्रातः जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाए ताकि अभ्यर्थियों को अधिक गर्मी का सामना ना करना पड़े। केंद्रों पर चलन शौचालय की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए की गई है। तो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं जिस तरीके से अब तक कई अभ्यर्थियों की मौत हो गई है वो निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या वजह हो रही है, क्या उमस भरी गर्मी की वजह से इतनी लंबी दौड़ वो दौड़ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आखिर वजह क्या है, क्या ये जो मौसम है वो सूट नहीं कर रहा है अभ्यर्थियों को, या फिर जो पैमाना तय किया गया है सरकार की ओर से कि हम इतना दौड़ होने के बाद ही अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में पास हो सकेंगे, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अब सवालों के घेरे में हैं मौत के बाद। और लगातार विपक्ष जो है वो आवाज़ उठा रही है सरकार के खिलाफ कि सरकार मौत मार रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे मामले की जाँच की बात कही है और सरकार पर आरोप लगाया है कि एक तो देर से नियुक्तियां बांट रहे हैं, ऊपर से इस पूरे मामले में मौत बांटा जा रहा है। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो उत्पाद सिपाही भर्ती की दौड़ मौत की दौड़ बन गई है। 10 अभ्यर्थियों की अब तक मौत हो गई है। कई जो अभ्यर्थी हैं अभी भी बेहोश हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उस प्रेस रिलीज में तमाम तरह की सुविधाएँ जो हैं वो सेंटरों पर उपलब्ध होने की बात कही गई है। पेड़ा नगरी घोरमारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रॉपर राइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।